नमस्कार, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? अगर कोई कोई बंधु एक कमेंट डाल करके इसकी पुष्टि कर दें कि मेरी आवाज आ रही है, तो मैं फिर आगे अपनी बात शुरू करूं। आवाज आ रही है? हाँ सोमू जी, नमस्कार। आपका संदेश आ गया, क्या आप मैं शुरू कर सकता हूँ? इजाजत है आपकी? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इस फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और इसके साथ ही डॉक्टर सोमू सिंह को हृदय से साधुवाद, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया काम शुरू किया इस वैश्विक महामारी के दौर में, जब सब लोग अपने घरों में कैद थे। यह काम बहुत सार्थक रूप से और सुचारू रूप से इन्होंने शुरू किया है, इसके लिए पुनः साधुवाद। मित्रों, आज की चर्चा, यह भी मैं कहूं कि सोमू जी कभी कभी ऐसे मुद्दे पर ले आकर के खड़ा कर देते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप, यानी प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 पर आज की चर्चा केंद्रित है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा व्यक्ति तथा समाज के विकास का, व्यक्ति के निर्माण का, उसके व्यक्तित्व के विकास का, और इस प्रकार व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज और राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त साधन है। कोई भी देश अपने ज्ञान विज्ञान के संरक्षण के लिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए और विकास के लिए शिक्षा की योजना बनाता है और उसे क्रियान्वित भी करता है। अपने देश के संदर्भ में भी हम इसको इसी प्रकार लेते हैं। भारत सरकार ने 30 मई, जहां तक मुझे ध्यान है, 30 मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप देश के समक्ष प्रस्तुत करते हुए देश के विभिन्न लोगों से, संगठनों से, संस्थाओं से अपने सुझाव मांगे थे। हमें ध्यान रखना होगा, इस देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। 1986 के बाद 2019, 33 वर्ष बाद ये प्रारूप आया है। पिछले मई में आया, अनेक लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर, संगठनों ने, संस्थाओं ने सामूहिक स्तर पर अपने सुझाव भी भेजे हैं। हम लोगों ने भी अपने व्यक्तिगत स्तर के अलावा, मुझे ध्यान आ रहा है कि जून में हम लोगों ने 3 दिन की वर्कशॉप की थी, जिसमें हमारे काशी के विभिन्न विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के और अन्य संगठनों के कई लोग शामिल थे, और 22 जून 2019 को हम लोगों ने अपना सुझाव माननीय मंत्री महोदय को प्रेषित कर दिया। जब इसकी तिथि सुझाव की और बढ़ाई गई, तो 26-27 जुलाई को एक विस्तृत 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हम लोगों ने आयोजित किया, और उसे भी, उसका भी प्रारूप, मुझे ध्यान है सोमू सिंह ने ही इसको स्कैन करके भेजा था, और 360 लोगों से अधिक लोगों के बिल्कुल हस्ताक्षर युक्त तथा 80 लोगों के कमेंट युक्त
अपने अपने सुझाव हम लोगों ने माननीय मंत्री महोदय को भेजा था, इस तरह से पूरे देश से आए होंगे। मैं सबसे पहले जिन्होंने भेजा उनको, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको, और आज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको साधुवाद देता हूं। मित्रों, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप है, चार भागों में 23 अध्याय में और 648 पृष्ठों का है, हिंदी संस्करण इसका। मेरी बात हिंदी संस्करण पर ही आधारित होगी, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। इसलिए इस पूरे को, पूरे विमर्श को एक घंटे में समेटना थोड़ा कठिन काम होगा, इसलिए मैं कुछ बिंदुओं को ही इसमें, खास बिंदुओं को ही इसमें शामिल करूंगा। और अध्यापक होने के नाते जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अध्याय 5 शिक्षक और अध्याय 15 शिक्षक शिक्षा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हैं। क्योंकि जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षक की बात जरूर होगी, और जब शिक्षक की बात होगी तो शिक्षक तैयारी की बात होगी, और इस संदर्भ में फिर शिक्षक शिक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम अपने इस विमर्श को यहीं तक सीमित रखेंगे। हम एक चीज और कहना चाहेंगे अपनी बात कहने के पहले, कि निश्चित तौर से इस समिति ने, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया, अपने प्रारूप में इसने बहुत अच्छी अनुशंसाएं भी की हैं। मैं केवल कुछ अनुशंसाओं का अगर उदाहरण दूं या उल्लेख करूं आपके सामने, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण, बहुत दिन से इस बात को कहते आ रहे हैं, हर शिक्षाविद कहता है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। अभी तक केवल कहते रहे हैं, चाहे वो किताबों में, चाहे रिपोर्ट्स में या विभिन्न मंचों पर, लेकिन अमल में यह नहीं आ पाया। मुझे लगता है, सकारात्मक सोचते हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि शायद इस अनुशंसा के बाद ये अमल में आ सके। हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में शिक्षकों के अनेक पद रिक्त हैं, लाखों की संख्या में, और इस समिति ने सिफारिश की कि शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, यह भी एक सकारात्मक अनुशंसा के रूप में ही हम लेते हैं। शिक्षा का जो ढांचा है, उच्च शिक्षा के पहले, उच्चतम शिक्षा के पहले सारी, उसमें इसने एक नए ढांचे का प्रस्ताव किया, 5-3-3-4 स्कूल शिक्षा क्रम और शिक्षण शास्त्र को इस ढांचे में पुनर्गठित करने का प्रयास प्रस्ताव किया। भारतीय भाषाओं के पुनर्स्थापना की या इनके प्रसार की, शिक्षा में इनको व्यवस्थित ढंग से प्रतिस्थापित करने की बात किया, और इसी में इसने संस्कृत को भी स्थान देने की बात की। हमें याद आ रहा है जब हम लोग विद्यार्थी थे और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, तो संस्कृत को कोई स्थान नहीं था, और इसको लेकर के पूरे देश में एक प्रकार से आंदोलन का माहौल खड़ा हुआ था। एक बात और ये समिति अपने प्रस्ताव में करती है, शिक्षा क्रम में वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक टेम्पर का विकास, नीति परक और नैतिक चिंतन को शिक्षा क्रम में शामिल करने की बात, नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को शामिल करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भावना का विकास, संवैधानिक मूल्यों का विकास, सामाजिक भावनात्मक अधिगम का विकास, बुनियादी स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रशिक्षण, और सबसे अच्छी बात, शिक्षा क्रम में भारतीय ज्ञान व्यवस्था को शामिल करने का प्रस्ताव। इसके अलावा कुछ संस्थाओं की भी स्थापना का इसने प्रस्ताव किया, और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन
की स्थापना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव, मिशन नालंदा और तक्षशिला का एक दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत प्रस्ताव, इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिखता है, सभी भी महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कहता कि कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अभी इस समिति के सकारात्मक प्रस्तावों या अनुशंसाओं की ही बात कर रहा हूं, और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ईश्वर करे ये गठन हो और जिस उद्देश्य से गठन का प्रस्ताव किया गया है वो पूरा भी हो। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन के साथ साथ शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद GDP के नाम से, जिसे हम लोग ज्यादा परिचित हैं, 6% निवेश की जो प्रतिबद्धता है, हालांकि यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, अभी भी हम 3% को भी पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन उस प्रतिबद्धता को भी समिति ने दोहराया है। इस तरह कई महत्वपूर्ण और उपयोगी अनुशंसाएं इस समिति ने की, अगर ये व्यवहारिक स्तर पर लागू होती हैं तो निश्चित तौर से ये सकारात्मक परिणाम देंगी, बल्कि भारतीय शिक्षा की के रास्ते में एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। इसके साथ साथ मैंने आपसे वादा किया था कि मैं शिक्षक शिक्षा पर ही अपने को और शिक्षा और शिक्षक तक सीमित रखूंगा। समिति ने कई कड़वी सच्चाइयों को भी बयान किया है जिससे हम सभी परिचित हैं, याद करके दुखी होते हैं, और जब कोई समाधान नहीं मिलता तब भी अपनी कोशिश अपने स्तर से जारी भी रखते हैं। इन कड़वी सच्चाइयों को बयान करने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से समिति को साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सीधे सीधे अध्याय 4 और 5, बल्कि सबसे बढ़िया अध्याय 5, इसमें मैं समिति की अनुशंसा या समिति की जो रिपोर्ट है उन्हीं के शब्दों में मैं अगर पढ़ना चाहूं तो ये लिखते हैं कि ये हिंदी वर्जन का पृष्ठ 159 है, अगर कोई देखना चाहे देख सकता है। आज के समय में शिक्षक शिक्षा गंभीर रूप से पिछड़ी है, हालांकि ये शिक्षक शिक्षा के अध्याय में बात नहीं हो रही है, यह अध्याय 5 शिक्षक के अध्याय में इन्होंने लिखा, हमारे देश में लगभग 17,000 शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं और उनमें से लगभग 92% निजी स्वामित्व वाले हैं। अलग अलग गहन अध्ययन जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा गठित जस्टिस J.S. वर्मा कमीशन 2012 का अध्ययन भी शामिल है, दर्शाते हैं कि इन संस्थानों में की एक बड़ी संख्या अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास नहीं करते हैं, इसके बजाय वे व्यावसायिक दुकानों की तरह काम कर रही हैं जहां न्यूनतम पाठ्यक्रम और कार्यक्रम की जरूरतों की भी पूर्ति नहीं की जाती, सिर्फ डिग्रियों की खरीद फरोख्त होती है। अब एक बड़ा सवाल है, यहीं पर जस्टिस J.S. वर्मा कमीशन को इस समिति ने भी कोड किया है, ये बात तो सही है, लेकिन 92% जो निजी स्वामित्व वाले विद्यालय हैं, 8% तो सरकारी स्वामित्व वाले हैं, और जस्टिस वर्मा कमीशन की जो संस्तुति थी उसमें एक महत्वपूर्ण संस्तुति थी कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एन इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार ने और सरकार के बहुत सारे निकाय जब भी शिक्षक शिक्षा और शिक्षक की बात होती है तो जस्टिस J.S. वर्मा कमीशन को कोड तो जरूर करते हैं, लेकिन ये
इन 8% संस्थानों की कैपेसिटी बिल्डिंग या इनके विकास के लिए सरकार ने क्या किया, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि समिति को इस पर भी जरूर एक बार ध्यान देना चाहिए था। एक और बात मैं कहना चाहूंगा बड़े विनम्रता और आदर के साथ बिना किसी आलोचना के, आप समिति के गठन को देखें, जो भी लोग हैं अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, लेकिन जब शिक्षा नीति की बात होगी तो स्वाभाविक है कि शिक्षक की बात होगी और शिक्षक शिक्षा की बात होगी। यदि इस समिति में कोई शिक्षक शिक्षा का भी विशेषज्ञ होता तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि वह शिक्षक शिक्षा की व्यावहारिक जो कठिनाइयां हैं और व्यावहारिक जो प्रयोग हैं उनसे वो ज़्यादा परिचित होता, और तब इस समिति का सुझाव शिक्षक और शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में शायद और बेहतर होते। लेकिन खैर, जो अपने हाथ में नहीं है तो सुझाव आ चुका है। ये मेरा अपना व्यू है कि एक शिक्षक शिक्षा का विशेषज्ञ भी अगर होता तो बात थोड़ी और अच्छी होती। ठीक है, समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि शिक्षा को एक अनियंत्रित भ्रष्टाचार ने घेर लिया है। अब प्रश्न यह है, हाँ एक आया है विनोद कुमार जी का, एनपी 2009 में टीचर एजुकेशन के लिए ऑल स्टेट्स के पास डिस्ट्रिक्ट में मॉडल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोलने के लिए। हाँ साहब, मैं इस पर बात करता हूँ, थोड़ा धैर्य रखें। देखिए दो बात है, आपको यहीं बहका दूँ रुक करके। दो तरह की स्थितियाँ हैं, एक आदर्श स्थिति के लिए तैयार हुआ जाए, दूसरा जो अपने पास संसाधन हैं उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाए। नीतियां हमेशा अच्छी बनती हैं, लेकिन नीतियों का परिणाम अच्छा आवे इसके लिए उनका क्रियान्वयन बहुत जरूरी है, और वो क्रियान्वयन बहुत ईमानदारी से जरूरी है। अब सवाल यह है कि जब यह कमेटी कहती है कि शिक्षा के क्षेत्र को एक अनियंत्रित भ्रष्टाचार ने घेर लिया है, तो इस समिति को मैं साधुवाद देता हूं इतनी कड़वी सच्चाई लिखित रूप में पेश करने के लिए, लेकिन इसका समाधान मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बेखता कोई नहीं, हम सब खतावारों में हैं, कौन किसको दे सजा जब सब गुनाहगारों में हैं। इसलिए लकीर पीटने से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन जरूर प्रयास तो करना ही पड़ेगा। समिति ने भी प्रयास किया। अब ये जो अनियंत्रित भ्रष्टाचार है, मैं सीधे सीधे इस पर आ जाऊं, शिक्षक पर, शिक्षकों की तैयारी पर, और शिक्षकों की तैयारी के क्रम में अध्यापक शिक्षा पर। अध्यापक शिक्षा की एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसे हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। इन्होंने भी अपने उसमें जब ये लिखते हैं कि 17,000 संस्थान हैं और उसमें से अधिकांश में डिग्रियों की खरीद फरोख्त होती है, तो यह बड़ा सीधा सवाल है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्रियान्वयन पर और उनकी व्यवस्था पर। संयोग से कुछ दिन हमें भी इस महान संस्था से जुड़ने का मौका मिला था, लेकिन हमें लगा कि जिन उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी
वो उद्देश्य अपने इसकी स्थापना के कुछ समय बाद से ही कहीं ना कहीं रास्ता बदलते हुए दिखने लगे। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितने भी इसके चेयरमैन हुए, हर चेयरपर्सन की अपनी विशेषता थी, सबने अपनी ओर से अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया होगा, लेकिन इसके फाउंडर चेयरपर्सन प्रोफेसर जे एस राजपूत के बाद शिक्षक शिक्षा की इस स्टेटूटरी बॉडी में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं मिला जिसने इसके उद्देश्यों को, जिसके लिए ये स्थापित हुई थी, मुकाम तक पहुंचाता। मुझे बहुत ठीक से याद है 1997 में मैं दक्षिण भारत में विजयवाड़ा कॉलेज में एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल था। एनसीटी का बड़ा एक प्रकार से हुआ था। मैंने राजपूत साहब से समय मांगा मिलने के लिए, और मुलाकात में हमने पहले ही उनसे निवेदन किया कि क्या एनसीटी की स्थापना कॉलेजों को बंद करने के लिए हुई है या सुधारने के लिए। उन्होंने तुरंत उसी भाषा में कहा कि भाई सुधार के लिए हुई है, लेकिन जो न सुधरे उनको बंद भी करेंगे। एनसीटी की स्थापना में एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो था कमर्शलाइजेशन पर रोक लगाना। हमें तो कहीं दिखा नहीं आज के संदर्भ में कि कमर्शलाइजेशन कहीं रुका है। ये कुछ ऐसे काम हैं जो इस संस्था के कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर, मैं नहीं कह रहा, ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में स्पष्ट लिखा। एक चीज और आपको ध्यान से बताऊं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में जिन लोगों से इस कमेटी ने संपर्क किया, जिन संस्थाओं से संपर्क किया, उनके भी नाम हैं। सबसे अंत में इन्होंने सबके नाम, सबका उल्लेख किया है, लेकिन इसमें भी एनसीटीई का उल्लेख नहीं है। कुल 74 संस्थाओं से इस समिति ने विमर्श किया, संपर्क किया, लेकिन उन 74 संस्थाओं में शिक्षक शिक्षा की इस महत्वपूर्ण संस्था एनसीटीई के नाम से, जिसे हम जानते हैं, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इसका मतलब दो बात है, या तो समिति ने ऐसा समझा नहीं, ठीक नहीं समझा इनसे संपर्क करना, या कारण जो भी रहा हो, लेकिन 74 संस्थाओं की सूची पूरे उसमें है, सबके पब्लिक डोमेन में है, उसमें एनसीटी का नाम कहीं नहीं है। हाँ हेमंत जी, आपने कहा है कि शिक्षक शिक्षा की बागडोर 92% निजी हाथों में, अनुदानित संस्थानों के हाथों में, मात्र 2% ही सरकार के नियंत्रण में है। क्या तब भी हम उम्मीद पर तो दुनिया कायम है हेमेंद्र जी, उम्मीद तो करना ही पड़ेगा। हम लोगों को बचपन में हमारे एक गुरु थे, वो कहते थे कि बेटा ट्राई फॉर बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स्ट। इस वर्स्ट से भी बेस्ट की ओर बढ़ा जा सकता है, इसलिए उम्मीद तो करना ही पड़ेगा। देखिए, इस समिति ने एक और बात कही है, जैसे अभी हमने इशारा किया, सरकारी निवेश को बढ़ाना, संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना, निवेश बढ़ेगा तो मजबूती प्रदान की जाएगी। हम किसी प्राइवेट सेक्टर का विरोध नहीं करते हैं हेमेंद्र जी, ये बात बहुत साफ कहें, किसी भी प्राइवेट सेक्टर का विरोध नहीं करते। मेरा सवाल तो इस पर था जो इन्होंने कहा कि भाई 92% तो निजी स्वामित्व के विद्यालयों में है या निजी संस्थाओं में है, लेकिन 8% पर उन्होंने, सरकार ने उनके बेहतरी के लिए क्या किया, सवाल यह है। और आप भी उस जो रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई थी और जो सुझाव भेजे थे, आप उसके भी एक पार्ट रहे हैं, आपके हस्ताक्षर भी हैं। हम लोगों ने यह सवाल वहां भी खड़ा किया है, आप कहें तो मैं उसको भी पढ़ के सुना दूं। अपनी जो सुझाव थे वो मेरे सामने है इस समय, और उसमें भी हम लोगों ने लिखा कि हमारा निवेदन है कि जस्टिस वर्मा कमीशन को उद्धृत किया गया तो उस आयोग की बेहतरीन और प्रासंगिक सिफारिशों पर भी बल दिया जाना चाहिए, केवल आलोचना से काम नहीं चलेगा। ये बात, इस पर हम आज भी कायम हैं, और ये भी हम लोगों ने सवाल पूछा था
कि एक बड़ा प्रश्न है कि सरकारी क्षेत्र के 8% शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत तथा आदर्श शिक्षा संस्थान बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए। इस देश का नागरिक होने के नाते, चूंकि सरकार भी अपनी है, हम देश के नागरिक हैं, सरकार अपनी है, तो हम अपनी सरकार से भी बड़ी विनम्रता से कुछ बातें तो उसके संज्ञान में ला ही सकते हैं। हम लोगों ने लाया था, आप भी उसके एक पार्ट हैं। अस्तु, अब सवाल यह है कि यहां डिग्रियां बिकती हों वहां पर और क्या किया जा सकता है? हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं जा सकता, काम तो करना ही पड़ेगा। हम अभी, मैं भी अब एनसीटी की बात से थोड़ा सा अपने को अलग करता हूं, क्योंकि एनसीटी के बहुत से मित्रों को भी लग सकता है कि भाई और बाकी अन्य लोगों को कि ये तो एनसीटी की आलोचना पर उतर गए, लेकिन ये हकीकत है जिसको लिखा गया है, और ये भी हकीकत है जिसको हम देख रहे हैं कि जब फर्जी मान्यता पत्र के भरोसे चल रहे विद्यालयों की बात जब एक रीजनल कमेटी एनआरसी जब संज्ञान में ले आती है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होती बल्कि लीपापोती शुरू हो जाती है। ये एनसीटी की कार्यप्रणाली है आज की राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए हमारी चिंता यह भी है कि इस सफेद हाथी का क्या किया जाए, और खासतौर से इस राष्ट्रीय महत्व की संस्था है शिक्षक शिक्षा की। एक बड़ा प्रश्न ये भी है जो मैं आज इस मंच के माध्यम से उठाना चाहता हूं कि क्या इतने बड़े देश में अध्यापक शिक्षा का कोई भी विशेषज्ञ इस क्षमता का नहीं है जो इस संस्था की बागडोर संभाल सके ब्यूरोक्रेट्स की जगह पर? और क्या ब्यूरोक्रेट्स इतने ज्यादा योग्य हैं कि शिक्षक शिक्षा की इस नियामक संस्था को चलाने के लिए वही कैपेबल हैं, शिक्षाविद नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, हो सके तो इस पर सोचिएगा आप लोग, क्योंकि इस बात को भी उठाना। कुछ दिन पहले हमारे अग्रज सीबी शर्मा साहब कह रहे थे, मुझे मैथ्यू साहब के साथ भी एक मीटिंग जनरल बॉडी के मेंबर के नाते अटेंड करने का मौका मिला है, और जब पटना हाईकोर्ट ने कमेंट किया उनके ऊपर, मैं किसी के व्यक्तिगत कमेंट की बात नहीं करता, लेकिन हाईकोर्ट ने कमेंट किया उनके ऊपर। तो अगर सरकारी संस्थाएं इस तरह से शिक्षा की संस्थाएं ब्यूरोक्रेसी के हाथों में खेलने लगेंगी तो उनकी दशा वही होगी जैसे कि इस कमेटी को भी लिखना पड़ा है कि अनियंत्रित भ्रष्टाचार ने घेर लिया है। हर ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छा है, मैं किसी का व्यक्तिगत न तो उसका की आलोचना नहीं पसंद करता, लेकिन यह वस्तु स्थिति है। जो डिग्रियां बेची जा रही हैं अध्यापक शिक्षा की, यानी संस्थान अगर काम नहीं कर रहे हैं तो यह सवाल तो है उस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्या किया। कई बार बैठकों में कहा कि इतने प्राइवेट कॉलेज हैं, इनका क्या होगा। एनसीटी केवल प्राइवेट कॉलेजों के संरक्षण के लिए नहीं बनी है, उन प्राइवेट कॉलेजों के संरक्षण के लिए बनी है जो प्राइवेट कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। जरूर उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन जो दुकानदारी चल रही है इससे भी हम और आप परिचित हैं, इस पर रोक भी लगनी चाहिए। मेरा अनुरोध केवल यह है। एक और महत्वपूर्ण बात शिक्षक शिक्षा के संबंध में, जब चूंकि ज्यादातर बातें इस कमेटी ने शिक्षक की और शिक्षक शिक्षा की अपने अध्याय 5 में ही कर लिया, अध्याय 15 तो केवल 4 वर्षीय एकीकृत बीएड शुरू करने की बात करने में इसने ज्यादा बल दिया है, और यह एकीकृत बीएड आप सभी जानते हैं, इन्होंने कई ऐसी बातें लिखी जो हम लोग पहले ही करते थे, कई ऐसे सुझाव इनके हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं। एक तो इन्होंने ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, ये ठीक बात है, हम लोग भी इससे सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो 4 वर्षीय है ये कहां तक प्रासंगिक होगा ये भी सोचने की बात। हाँ,
रमेश कुमार जी, चेहरा और जाति देख करके जो लोग मानवर्धन करते होंगे ऐसे लोग भी हैं समाज में, आपका कमेंट आया है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता और आज भी इनकी संख्या कम है। और मैं जिस संस्था में काम करता हूं आपके वो आप उसके बारे में बताऊं, इस पर भी आरोप लगते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ बीएड का और एमएड का केंद्रीय मूल्यांकन होता है और कोडिंग हो जाती है। जो कोडिंग करता है वो मूल्यांकन में कहीं से शामिल नहीं होता। एक व्यक्ति कोडिंग कर देता है, लोगों को सौंप देता है और परीक्षा विभाग जो है परीक्षकों से जांचवाता है कि यहीं से कुछ हो नहीं सकता, और बहुत से विश्वविद्यालय ऐसा कर रहे हैं। इसलिए एक अध्यापक के नाते मेरा एक विनम्र सुझाव है कि अगर कोई कमियां हैं तो जरूर उसे जेहन में रखा जाए, क्योंकि हम भी उसी के पार्ट हैं। हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि बेखता कोई नहीं, हम सब खतावारों में हैं। हम ही आप बैठ करके इंस्पेक्शन भी करते हैं, हम ही आप बैठ करके नीतियां भी बनाते हैं, और हम ही आप बैठ करके मूल्यांकन भी करते हैं। हम क्यों नहीं सोचते कि जो लड़का टॉप करने के लिए डिजर्व करता है वही टॉप करेगा, और अगर हम इस पर इंसिस्ट करते हैं तो इसके लिए किसी नीति की जरूरत नहीं है। इसलिए आपकी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन हाँ सोमू जी बिल्कुल सही बात आपने कहा कि शिक्षक शिक्षा की बागडोर शिक्षकों के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन यहां तो शिक्षक शिक्षा पर ही एक कुठाराघात की बात चल रही है। ये बड़ा संकट है। हम विनम्रता पूर्वक इस मंच के माध्यम से, अभी तक चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई नहीं है, हम तो सोच रहे थे कि शायद बहुत जल्दी आ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं था कि हो सकता है अगले बुधवार तक आ जाए, आने वाले कुछ दिनों में आ जाए, फिर पता चलेगा कि क्या। हाँ, एक रूपेंद्र सिंह चौहान है, मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा नीति में आधारभूत शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, क्या आने वाले समय में देश में एक समान शिक्षा नीति लागू हो पाएगी। चौहान साहब, ये भारत विविधताओं का देश है, अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां यहां पर हैं, पांचों उंगलियां हमारे हाथ की बराबर नहीं। हाँ, समान नागरिक संस्था संहिता की बात होती तो हम जरूर मान लेते कि एक देश और एक नागरिकता, लेकिन तेलुगु भाषा भाषी लड़के को वहां की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार, उत्तर प्रदेश को यहाँ की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार, बिहार को वहां की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार भी शिक्षा में स्थान स्थानीय आवश्यकता को मिलना ही चाहिए। फिर समानता एक समान कहां रह गई, एक समान पाठ्यक्रम ने, हाँ एक कॉमन पाठ्यक्रम जरूर प्रस्तावित किया जा सकता है जिसमें संस्थाओं को, राज्य सरकारों को इतनी सुविधा जरूर होनी चाहिए कि वह स्थानीय आवश्यकताओं का समावेश कर सकें, 20% 30% जैसी आवश्यकता है, ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक ही चीज पूरे देश पर लागू कर देना ये बहुत न्यायसंगत तो नहीं लगता। नीति के लिए नियत साफ होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। अब बंधु देखिए, जीडीपी का 3% से हम ज्यादा पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें अपने सरकार की नीयत पर पूरा भरोसा है, लेकिन उस नीति को लागू करने वालों की नीयत पर, नीति सरकार बनाती है। अभी थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले मैंने कहा, हमने कहा कि एनसीटी की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, लेकिन एनसीटी के इंस्पेक्शन पैनल में हम ही लोग जाते हैं, अगर हम रेकमेंड नहीं करेंगे तो उनको कहां से मिल जाएगा, और उसके बाद मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी का तो निर्वाह करें। इसके लिए हर नागरिक को पहले अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी नीयत ठीक कर लेंगे तो आप समझ लीजिए, शिक्षा यही है कि पहले वो व्यक्ति का निर्माण करती है और फिर व्यक्ति समाज का निक के निर्माण में सहयोग देता है,
और इस प्रकार वो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देता है। मुझे ध्यान है अभी कुछ दिन पहले आप लोग पवन शर्मा जी को सुन रहे होंगे, उसी एमसीटी में पवन शर्मा भी थे और पवन भाई ने एमसीटी छोड़ने के बाद भी उसका खामियाजा भुगता, लेकिन समझौता तो नहीं किया। तो जब इस तरह से हम तैयार होकर के चलेंगे ना, तो निश्चित तौर से हमें भी अपनी आहुति देनी पड़ेगी, केवल सरकार के भरोसे नहीं काम चलेगा। हाँ संजय सिंह यादव सर, कुछ प्राइवेट कॉलेज के पास क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं है, वो अप्रूवल करवा के चला रहे हैं। भाई ये बात आपके संज्ञान में है, मेरे संज्ञान में है, इस बात को यह समिति भी लिख रही है, और अगर समिति लिख रही है तो यह उसके संज्ञान में भी है, उसने देश के संज्ञान में लाया और सरकार के भी संज्ञान में लाया। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूर बनेगी जो इस पर भी अंकुश लगाएगी। हाँ जी सहमत रश्मि जी, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने के लिए शिक्षक को स्थान देना चाहिए। पाठ्यक्रम तो अंततः शिक्षक ही बनाता है, चाहे वो विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल से हो, चाहे विद्यालयों के हो, होते उसमें शिक्षक ही हैं ज्यादातर, और उसे लागू भी शिक्षक ही करते हैं। हाँ कुछ नीति नियंता इसे प्रभावित जरूर करते हैं अपने अपने हिसाब से, यह जरूर है, लेकिन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हमें बदलाव करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्या हम अपनी गुरुकुल शिक्षा के कुछ सीख कर उसमें कुछ अच्छी चीजें लागू कर सकते हैं? अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि इस अभी इसी समिति ने तक्षशिला और नालंदा मिशन की कल्पना की है और अनुशंसा किया है इसको दीर्घकालिक योजना के तहत लागू करने की। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को आज हम गुरुकुल के रूप में भले नहीं बदल सकते हैं, लेकिन विद्यालयों को गुरुकुल के रूप में बदल सकते हैं। गुरुकुल का एक सीधा कॉन्सेप्ट था, दोनों के बीच, गुरु और शिष्य के बीच श्रद्धा, विश्वास और आत्मीयता की भावना, ये बहुत कुछ करती है। व्यक्ति के निर्माण में इसका बहुत अहम रोल है। अध्यापक को या गुरु को विद्यार्थी को बताना नहीं होता था, उसका कार्य, उसका व्यवहार, उसकी दिनचर्या स्वयं ही जीता जागता एक उदाहरण हुआ करती थी और विद्यार्थी उसका अनुकरण करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता था, कहने की जरूरत नहीं होती थी। उसका जीवन जैसा होता था, विद्यार्थी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता था। तो गुरुकुल शिक्षा की ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अभी यहां पर भी मोनिटोरियल सिस्टम की बात आई है, गुरुकुलों में भी कक्षा न्याय की पद्धति थी, भारत में बहुत पहले से चल रही है। एक गुरुकुल में विद्यार्थी बहुत ज्यादा होते थे और गुरु एक होता था, तो हर सीनियर विद्यार्थी जूनियर विद्यार्थी को पढ़ाता था, इस प्रकार उसका प्रशिक्षण भी होता था। तो गुरुकुल शिक्षा की बहुत सी अच्छी चीजों को आज की परिस्थिति में भी बदले समय के साथ, थोड़ा बदलाव के साथ उनकी अच्छी बातों को लागू करने में कोई हर्ज नहीं है। हम इससे बिल्कुल सहमत। हाँ विनोद कुमार जी, आपकी बात एक बार हो चुकी है। समय कितना हुआ भाई, अभी समय कितना है? मेरे ख्याल से हमारे पास 20-22 मिनट का समय है, और जो शिक्षक शिक्षा की मुख्य बात है, थोड़ा उस पर भी बात कर ली जाए। आपके सवालों का स्वागत है, आते रहें, बीच बीच में मैं उस पर भी बात करता रहूंगा। और ये जो शिक्षक शिक्षा है 4 वर्षीय, मुझे लगता है कि समिति बातों पर, एक तो हायर एजुकेशन में इन्होंने एमए एजुकेशन को ज्यादा बल दे दिया और एमएड उपेक्षित हो गया। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये मेरा दृढ़ ऑब्जर्वेशन है और तटस्थ ऑब्जर्वेशन है कि जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक शास्त्रीय विषय है
और दूसरा व्यावसायिक विषय। शास्त्रीय विषय के रूप में एमए एजुकेशन जरूर, लेकिन एमएड तो मास्टर डिग्री इन टीचर एजुकेशन है। आपको एक चीज और बता दूं, एनसीटीई की बैठक में यह तय भी हुआ, लेकिन आज तक यह नोटिफाई नहीं हुआ, कि जितने शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं उनका कोरिजेंडम मेरे पास है, एनसीटीई की वेबसाइट पर भी होगा, उनका नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या फैकल्टी ऑफ एजुकेशन करने के बजाय डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन या फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन कर दिया जाए, लेकिन नोटिफिकेशन आज तक नहीं हुआ। ये अफसरशाही है, इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी थी वहां उस समय। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि टीचर एजुकेशन, इसलिए मैंने पहले ही इशारा किया कि अगर इसमें कोई टीचर एजुकेशन का विशेषज्ञ भी इस कमेटी में होता तो इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझता। और जितनी चीजें इन्होंने बताई कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, मैं अगर ज्यादा विस्तार में जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। जैसे इन्होंने एक जगह कहा कि हम प्रैक्टिस टीचिंग के लिए विद्यालय में भेजते हैं तो वहां पर एक 10-15 विद्यार्थियों को एक मेंटर के अधीन किया जाएगा, वो मेंटर का पहले देखेंगे, फिर मेंटर के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, मेंटर उनको फीडबैक देगा। जब एक वर्ष का बीएड था तब भी यह होता था, जब 2 वर्ष का बीएड है तब भी हो रहा है, 4 वर्ष में यह कोई नया नहीं होगा जो सुझाव है। हाँ, 4 वर्ष में नया क्या होगा जो हमें दिख रहा है? जस्टिस जे एस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट को इन्होंने कोट किया, निश्चित तौर से वर्मा जी, जस्टिस वर्मा कमीशन ने बहुत अच्छी सिफारिशें की, लेकिन उसकी एक सीमा है। महाराष्ट्र के डीएड कोर्स के संदर्भ में यह कमीशन गठित हुआ था और इसे आप पूरे देश की शिक्षक शिक्षा पर समान रूप से लागू कर दें, यह न्याय संगत नहीं लगता। एक बात। दूसरी बात जो उससे भी महत्वपूर्ण है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी के बहुत अच्छा प्रयोग है, निश्चित तौर से बहुत अच्छा प्रयोग है। मेरा अपना मानना है कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड प्रोग्राम पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने के बजाय, अगर वास्तव में आपको लगता है कि यह बहुत उपयोगी है, जो हम भी मानते हैं कि उपयोगी है, तो जो पूरे देश में कम से कम हर राज्य में 1 या 2 एकीकृत रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना करे सरकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हमने देखा है व्यवहारिक तौर पर, मेरे यहां भी रजिस्ट्रार ने कहा कि भाई साहब आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, ये आप रोक लगा दिए हैं, आप रिकॉग्निशन की बात, कुछ आय हो जाएगी क्या? संस्थाएं केवल आय के लिए थोड़े हैं। 4 वर्षीय बीएड एनसीटी ने नोटिफाई क्या किया, आवेदन पत्रों की भरमार लग गई है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या करेंगे। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि ये लोग डिग्री बांटते हैं, डिग्री बटेगी। अभी किसी मित्र ने पूछा कि जब फैकल्टी नहीं है तो पढ़ाई कैसे होती है? अरे फैकल्टी नहीं है प्राइवेट कॉलेजों की तो छोड़िए, इसी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 10 लाख अध्यापकों के पद रिक्त हैं शिक्षक के कॉलम में, अध्याय 5 में। तो हम तो शिक्षक के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर ही रहे हैं, और उसमें भी ये जो आपने स्थिति बताई वो तो और स्थिति खराब है। दूसरी बात, बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हैं जहां बीएससी है, बीकॉम है, एग्रीकल्चर है, बीए है, यानी ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग दोनों चलते हैं, लेकिन इन दोनों संस्थाओं की रचना इस तरह की नहीं है कि आपस में कोऑर्डिनेट कर सके। मेरे शहर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, आदर्श संस्थान है, उनका शिक्षा संकाय कम अच्छा पर है और बाकी मेन कैंपस वहां से 2 किलोमीटर दूर। क्या लड़का आधा 1 घंटा यहां पढ़ेगा, 2 घंटा वहां जाएगा, बीच का रास्ता? कोऑर्डिनेशन, हर डिपार्टमेंट अलग अलग है।
ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होने जा रही है अगर ये 4 वर्षीय बीएड कोर्स लागू कर दिया पूरे देश में अनिवार्य रूप से। तो इसे प्रयोग के तौर पर आप उन उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में लागू करते जो इसके लिए तैयार हैं, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, रमेश कुमार जी कुछ लंबा लिखे हैं भाई, जरा देखिए। सरकारों की नजर में शिक्षा सेवा की बजाय अवसर तथा शिक्षकों को शिक्षक की बजाय कर्मचारी बना देना शिक्षा व शिक्षक शिक्षा की अवनति के प्रमुख कारणों में से एक है। धन्यवाद रमेश जी, बात तो सही है। प्रतिभा जी लिखती हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप के समावेशी शिक्षा में क्या कुछ नया प्रस्ताव दिया गया है। अभी तो शिक्षक शिक्षा पर अटके हुए हैं प्रतिभा जी, अगली बार जब मौका मिलेगा तो समावेशी शिक्षा पर भी बात करेंगे जरूर। टाइम कितना है? मेरे पास 15 मिनट का समय है और अगर कुछ सवाल आवे तो जरूर हमें स्वागत है उनका। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, सभी मित्रों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, सबके सवाल एक घंटे में संभव नहीं होंगे। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका जवाब भी दे सकूं जो मुझे आएगा। मैं अपनी मेल आईडी शेयर कर दूंगा, आप उन पर अपने सवाल भेज सकते हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा आपके साथ शेयर करने में अपने विचारों को, क्योंकि यहां पर समय की सीमा है। एक बात और, जो 4 वर्षीय की दिक्कतें हैं उनकी ओर हमने इशारा किया, हम लोगों ने अलग से इनको लिख के भेजा भी है सरकार को। सोमू जी से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि सोमू जी इसके पार्ट रहे हैं जब हम लोगों ने वर्कशॉप किया था तब भी और जब हमने सेमिनार किया था तब भी, अगर कुछ मित्र चाहते हो तो हम उस पूरे डॉक्यूमेंट को टीचर एजुकेटर ग्रुप पर लोड कर देंगे ताकि वो उससे रूबरू हो सकें, वो संज्ञान में ले सकें। कैसा रहेगा? हाँ, अजय सिंह जी कह रहे हैं कि सर आपने बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस ड्राफ्ट का समालोचनात्मक अध्ययन किया, निश्चित रूप से हमारे सुझाव को, अजय जी नहीं आप भी उसमें शामिल थे, हम सबके सुझाव हैं। वो करीब 500 लोगों के सुझाव थे जिनके नाम पता के साथ हम लोगों ने सरकार को भेजा, लेकिन जब तक वो आ नहीं जाता तब तक हम लोग उस पर क्या ही कह सकते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। एक चीज और थी जो हमने बताया कि हमारी इस दिक्कत का कारण एक तो कम निवेश है, समिति ने इस पर भी बात किया है और बड़े जोरदार ढंग से बात किया है। जो परिशिष्ट है इनका, इनको अगर आप देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए। हाँ, एक चीज और, बड़ी सफाई से मैं कुछ देर पहले ब्यूरोक्रेसी की चर्चा कर रहा था, समिति ने भी जो अपना प्रस्ताव दिया उसमें मैं एक चीज आपके लिए केवल पढ़ देना चाहता हूं। आप एक बार, ये पृष्ठ 553 पर है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के कार्यकारी निदेशक। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के कार्यकारी प्रमुख ही कार्यकारी निदेशक होंगे, जो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी होंगे और साथ ही दोनों स्टैंडिंग कमेटी ऑन कोऑर्डिनेशन के सदस्य भी होंगे। कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति RSAAC द्वारा की जाएगी और उसके पास राज्य मंत्री का दर्जा होगा। कार्यकारी निदेशक भारत की शिक्षा प्रणाली की गहरी समझ के साथ शिक्षा में व्यापक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए बेहतरीन योगदान का रिकॉर्ड व प्रशासन तथा नेतृत्व का व्यापक अनुभव होगा। एक बात ध्यान रखने की बात है, बड़ी सफाई से इस ड्राफ्ट में यह तो लिख दिया गया, लेकिन कहीं यह नहीं कहा गया कि यह निदेशक शिक्षाविद होगा। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा लेकिन इसका कार्यकारी निदेशक कोई प्रख्यात शिक्षाविद होगा, यह कहीं नहीं लिखा गया है। हां, कहां होगा? कार्यकारी निदेशक तो नहीं होगा,
लेकिन जो सलाहकार परिषद होगी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की, उसमें ये लिखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होंगे। यानी शिक्षाविद सलाह तो दे सकता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और हम आप सबको इस पर विचार करना चाहिए कि शिक्षा का काम शिक्षा, यानी यहां भी ब्यूरोक्रेसी के लिए पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त स्थान है। ये मेरा सोचना है, क्योंकि सलाहकार परिषद का अध्यक्ष शिक्षाविद होगा लेकिन कार्यकारी निदेशक शिक्षाविद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ अजय सिंह जी, इंटर्नशिप के संबंध में भी सुझाव है इनके, वही मैंने चर्चा किया अजय सिंह जी कि ये अभी जो इन्होंने 4 वर्षीय में प्रस्तावित किया उसको केवल समय का ड्यूरेशन हटा दिया जाए तो वो सारे काम, आज भी हम लोग जब 1 वर्षीय बीएड था तब भी डेमोन्स्ट्रेट करते थे, इंटर्नशिप के लिए विद्यालय कहाँ से मिल रहे हैं? कोई आपके विद्यार्थियों को, आपके और हमारे विद्यार्थियों को दे देता है अलग बात है, लेकिन ये जो पूरी भीड़ है शिक्षक शिक्षा में जो डिग्री लेने के लिए जुटी हुई है, इनकी इंटर्नशिप कहाँ होती है? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए और आपका मॉडल, आपके विश्वविद्यालय ने तो बहुत बढ़िया मॉडल, उसका भी क्या कहते हैं इंटर्नशिप का भी बनाया था, हमने भी, मुझे भी एक बार देखने का अवसर मिला, वो मॉडल हम लोग शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ, क्योंकि समय तो अब समय धीरे धीरे खिसक रहा है बहुत तेजी से। तो ये मुझे थोड़ा सा, जब मैं पढ़ रहा था, जब हम लोग ड्राफ्ट को सेमिनार के लिए या कार्यशाला के लिए देख रहे थे तब हमारा ध्यान उधर नहीं गया था, लेकिन कल जब मैं रात को देख रहा था तो मुझे लगा कि भाई कार्यकारी निदेशक शिक्षाविद नहीं हो सकता लेकिन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष शिक्षाविद हो सकता है। फिर भी कोई बात नहीं है। एक और चुभने वाली बात है और वो ये है कि कोठारी आयोग से लेकर के, या शिक्षा नीति की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से लेकर के यह नीति भी आ जाएगी, हमारे यहाँ क्रियान्वयन के स्तर पर दिक्कतें ज्यादा हैं। हम आप मिलकर के ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हमारे क्रियान्वयन करने वाले लोगों को यह सद्बुद्धि हो, वो कमिटमेंट उनमें हो कि इसे इम्प्लीमेंट कराएंगे। और इसके लिए मुझे अपने प्रधानमंत्री से बड़ी अपेक्षाएं हैं, मुझे ही नहीं हम सबको हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में तो यह संभव है, ऐसा दिख रहा है कि ऐसा जरूर होगा। और नीतियां जो भी बनेंगी उनका ईमानदारी से क्रियान्वयन होगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो अत्यंत कम समय में हमारे ध्यान में आई वो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। और प्रतिभा जी, फिर आपने एक बात कही है कि बीएड करने वालों की संख्या में हर वर्ष इतनी वृद्धि हो रही है, जाहिर है सरकार की अनुमति से ही होगा। अब भाई देखो, यहाँ भी कहते हैं कि नहीं, इनको जो इस तरह के जो मानक के विपरीत संस्थान है उनको बंद किया जाएगा। मैं एक बात बड़े ध्यान से देख रहा था कि बंद करने की जो कार्य योजना थी उसको मैं खोल करके पढ़ना ठीक नहीं समझता, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है अब ये अमल में आए। मेरी चिंता बार बार ये है कि जो भी योजनाएं हो अमल में आए। हाँ, कृष्णा यादव ने पूछा है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष शिक्षा में क्या विशेष प्रावधान किया गया है? शिक्षा में ही विशेष प्रावधान है, शुरू में हमने आपको 10 मिनट इसी पर कहा था, ठीक है ना? और विशेष शिक्षा का प्रावधान विशेष रूप से आप अपना मेल आईडी हमको व्हाट्सएप करिए, उसको भेज देंगे, ठीक है ना? और करीब 13-14 पॉइंट इस शिक्षा नीति के सकारात्मक पक्षों की ही हमने बात किया था, ठीक है ना कृष्णा जी?
आदित्य गुप्ता का एक सवाल है कि सर एक साथ दो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की वैधता स्वीकार्य है? कहाँ दो पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहे हैं, आप एमए एजुकेशन और एमएड की बात कर रहे हैं। अगर ये है तब तो भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा ही चुका है। हमारी भी चिंता है कि दोनों को अलग किया जाना चाहिए, एक साथ तो कर नहीं रहे हैं जो एमए कर रहा है। हाँ यह जरूर है कि इस नीति में भी इन्होंने ज्यादा बल, यहां तक कि उच्च शिक्षा में पीएचडी के लिए, मैं एक बार देख रहा था, पीएचडी के लिए भी इन्होंने एमए एजुकेशन की ही बात ज्यादा किया है। आप कहें तो मैं उसको एक सेकंड में खोल के दिखा भी सकता हूं। कहा गया भाई उच्च शिक्षा, ठीक है ना, जब भी वो पीएचडी की बात करते हैं तो वो एमए इन एजुकेशन को बार बार इस ड्राफ्ट में कोड किया गया है, लेकिन एमएड का कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये दोनों बातें मेरे ख्याल से अलग होनी चाहिए। और टीचर एजुकेशन के लिए खास तौर से एमएड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो एमए एजुकेशन से सर्वथा भिन्न है। मोहम्मद शहीर सिद्दीकी, सर एजुकेशन इज नॉट ए सब्जेक्ट इन यूपीएससी, इफ इट इज कंक्लूडेड वी कैन फाइंड एन एजुकेशन। भाई ऐसा है कि यूपीएससी की नीतियां हम लोग तो नहीं बना सकते, आपका सुझाव सही है कि अगर उसमें हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको एक टीचर एजुकेटर को यूपीएससी की परीक्षा देने से किसने रोका? और भी तो शास्त्री विषय पढ़ते ही हैं हम ना। और ये हमने एक चीज देखा है, अगर इस पर आपसे मैं थोड़ा सा लीक से हट के कहूँ कि बहुत से इंजीनियरिंग के बच्चे यूपीएससी की परीक्षाओं में ह्यूमैनिटीज के विषय लेते हैं। ये व्यवहारिक जानकारी कई लोगों से आपसी बातचीत के दौरान हमें है, आपको भी होगा, कि बहुत से बच्चे जो इंजीनियरिंग के हैं मेडिकल के हैं वे यूपीएससी की परीक्षाओं में ह्यूमैनिटीज के विषय लेते हैं। तो बात यह नहीं है कि अगर एजुकेशन को शामिल कर लिया गया तभी हम इस तरह का ब्यूरोक्रेट, हर ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं है कि वो केवल निगेटिव ही है, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, वो सरकारी पूरी तरह से सरकारी आदमी है। मैं अध्यापक हूं, अपनी बात आपके बीच खुल के रख रहा हूं, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूं कि अध्यापक ही अगर अपनी बात खुल के नहीं रखेगा तो अपने विद्यार्थी से अपेक्षा नहीं कर सकता और समाज से नहीं कर सकता कि समाज का कोई व्यक्ति करे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का कोई व्यक्ति, अफसरशाही कभी अपने अधिकारी या अपने नेता के मन मिजाज के हिसाब से बोलती है, उसके हिसाब से सोचती है, इसलिए वो जिस विभाग में जाता है उस विभाग का विशेषज्ञ हो जाता है। एजुकेशन सेक्रेटरी एजुकेशन में जब तक है एजुकेशन का विशेषज्ञ है, और किसी अन्य फील्ड में जाएगा तो उसका विशेषज्ञ हो जाएगा। ज्ञानेश यादव जी, एमएड वाले भी लड़ रहे हैं, मैंने कहा ना कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और एक चीज और है, योग्यता कभी खाली नहीं जाती। हम थोड़ी देर पहले कहे थे कि ट्राई फॉर बेस्ट, हम रेडी के लिए नहीं है, हम रेडी हैं कि बेस्ट के लिए ट्राई करेंगे, तो बेस्ट नहीं तो बेटर रिजल्ट तो मिलेगा ही। एमएड वाले ऐसा नहीं है कि वो उनका एमएड करना ही बेकार हो जाएगा, अगर उनका अध्ययन है, अगर उनमें काबिलियत है तो अपने काबिलियत का लोहा मनवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल है, बीएड इक्विवेलेंट स्पेशल इज इक्विवेलेंट टू बीएड, क्यों नहीं है। हाँ स्पेशल वाले स्पेशल वालों को पढ़ाएंगे, बीएड नॉर्मल वाले नॉर्मल वालों को, क्या दिक्कत है, बीएड की डिग्री दोनों की है। हाँ विशेष शिक्षा यानी विकलांग बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में चर्चा चाह रहा, क्योंकि विशेष शिक्षक की नियुक्ति की बात नहीं होती है। कहीं विशेष शिक्षक की नियुक्ति को रोका भी गया है क्या कृष्णा? मुझे तो नहीं लगता कि जिसने बीएड स्पेशल किया उनको कहीं रोक दिया गया हो। उनको तो दो प्लेटफार्म मिलते हैं, वो जनरल में भी नियुक्त हो रहे हैं और स्पेशल में तो उनका स्पेशलाइजेशन है ही।
ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत ध्यान से हमें सुना, अगर मेरी बात से किसी को कोई कहीं से ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरा मकसद ये नहीं था, किसी की आलोचना भी नहीं था। हाँ, इस शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में जो कुछ चीज़ें जो अच्छी, कम अच्छी और खटकने वाली, तीनों चीज़ें जो हमारे संज्ञान में आई। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं चलते चलते कहना चाहूँगा, जिसको हम लोगों ने भी लिखते भेजा था कि अगर विद्यालय, जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात इस कमेटी ने किया है, उसी तरह से स्कूल एजुकेशन कमीशन, विद्यालय शिक्षा आयोग का गठन, विद्यालयों के बेहतर नियमन, नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन और परिणामदायक व्यवस्था के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि विद्यालय शिक्षा आयोग का गठन भी आज समाज की मांग है। सरकार को इस पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।